इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ खड़ी है। 3000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन तय है, मतलब साल भर में करीब करीब 40,000। अगर आपने भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया, आने वाले मार्च तक भारत के किन किन राज्यों में ई श्रम कार्ड वालों को प्रति महीना 500 रुपए मिलने जा रहा है, इसकी घोषणा हो चुकी है। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपके घर को फ्री में आवास योजना के अंतर्गत मिलेगा खुद का मकान। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। आपको हम फिर से स्क्रीन पर दिखा दें, ई श्रम कार्ड वालों को मिलने जा रहा है प्रति महीना 500 रुपए। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर कई बार बताया था, अपना ई श्रम कार्ड बनवा लीजिए, आपको बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हम फिर से बता दे रहे हैं, ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत आपके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। हर महीना 500 रुपए मिलेगा, फ्री में घर मिल जाएगा, फ्री में LPG गैस सिलेंडर मिल जाएगा। बस ई श्रम कार्ड बनवाना है और ई श्रम कार्ड बनवाना निशुल्क होता है, इसमें आपका 1 भी रुपए नहीं लगेगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि ई श्रम कार्ड पोर्टल सिर्फ इन परिवारों को बनने जा रहा है ई श्रम कार्ड। आपको बता दें, हर किसी का ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। दूसरा देख लीजिए, पंजीकरण कौन करवा सकता है। इसमें उम्र सीमा को जो रखा गया है 16 साल से 59 वर्ष के बीच में रखा गया है और ई श्रम कार्ड बनवाने में किसी को दिक्कत ना हो, इसीलिए भारत सरकार ने टोल फ्री नंबर भी चालू कर दिया, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब ई श्रम कार्ड का बनेगा देख लीजिए, खेतीहाड़ी मजदूर, दूध किसान, सब्जी फल विक्रेता, प्रवासी मजदूर, ईटा भट्टा मजदूर, मछुआरे, बिल्डिंग रेलिंग जैसी 125 कैटेगरी भारत सरकार ने निर्धारित की है। अब ई श्रम कार्ड आप कैसे बनवाएंगे, ई श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, चलिए वो भी बताते हैं आपको एक एक करके। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, ये चैनल देश के गरीब कल्याण के लिए चालू किया गया है। अगर आप लोगों को भी हर सरकारी योजना के बारे में जानना है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप गरीबी एकता में विश्वास रखते हैं, एक बार वीडियो लाइक करके अपनी ताकत दिखाएं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें गरीबी एकता जिंदाबाद। अब आपका हम समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। ई श्रम कार्ड किन किन का बन रहा है वो तो हमने आपको दिखा दिया, अब ई श्रम कार्ड कैसे बनवाना है चलिए वो चेक कर लेते हैं। तो ई श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कामगारों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाता है। ई श्रम कार्ड पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो पूरे देश में मान्य होता है। इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको ishramcard.gov.in पर जाना है। यहां पर जाने के बाद नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह आपको भरना है, जिसके बाद आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। अब आपको हमने ये दिखा दिया कि ई श्रम कार्ड कैसे बनवाना है, टोल फ्री नंबर दिखा दिया। अब आपकी कोई दिक्कत है वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको निवारण आपको मिलेगा, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि ई श्रम कार्ड के बाद आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। अब आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया, भगवान न करे अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, आपके परिवार को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जैसा हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया था। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको प्राथमिकता मिलेगी और आपको फ्री में खुद का घर मिल जाएगा। ई श्रम कार्ड होने पर आपको प्राथमिकता मिलेगी, आपके परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाएगी। ई श्रम कार्ड होने पर आपको फ्री में LPG गैस सिलेंडर मिल जाएगा। ई श्रम कार्ड होने पर आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अगर आप बेरोजगार बैठे हैं आपको रोजगार भारत सरकार देगी, इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको बता दें, ई श्रम कार्ड योजना इसीलिए भारत सरकार ने चालू की है ताकि देश का कोई भी गरीब परिवार अगर है तो उसको हर सरकारी योजना का सबसे पहले फायदा दिया जा सके। ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत आप लोगों का राशन कार्ड भी बन जाएगा, जिसमें आपके परिवार को फ्री में आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, नमक मिला करेगा। दोस्तों, हमने आपको एक एक चीज बता दी। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हमारी टीम आपको समझाती रहेगी, आपको जवाब पूरी तरह से मिलेगा, बस आपको अपना सवाल कमेंट बॉक्स में रखना है। अगर आप लोग सच्चे गरीब हैं और गरीबी एकता में विश्वास रखते हैं तो एक बार वीडियो लाइक करके अपनी ताकत दिखाइएगा। जय हिंद, गरीबी एकता जिंदाबाद।